सो गाइस, जो पहला लेक्चर है फेसबुक सीरीज का वो फ्री है सबके लिए। तो ये आपको जैसे कि ये लेक्चर है इसको आप देखना आखिर तक, ये बिल्कुल फ्री है। लेकिन आगे वाले लेक्चर के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा नीचे दिए गए नंबर पे, ताकि ऐसे ही आपको लेक्चर 10 दिन तक मिलते रहें 14 अप्रैल तक। और इसमें आप सीखेंगे कंप्लीट फेसबुक एड्स चलाना, कि कैसे क्लिक बैंक के प्रोडक्ट को हम उठा के फेसबुक एड्स पे रन कर सकते हैं। सो गाइस, ये लेक्चर फ्री है, एंजॉय करिए इस लेक्चर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू। हे गाइस, वेलकम बैक। हियर आई एम मिश पांडे, एंड इस लेक्चर में आप लोग सीखेंगे कैसे क्लिक बैंक से मैं प्रोडक्ट चूज करता हूँ एंड उसको प्रमोट करने के लिए फेसबुक ऐड के लिए तैयार करता हूँ। सो कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं नोटिस करता हूँ, उन सारी चीज़ों को इसमें मैं कवर करूंगा। एंड आप भी कैसे इन चीज़ों का यूज़ करके अच्छा बेस्ट प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं फॉर फेसबुक एड्स। तो आज हम कैंपेन बनाएंगे। तो गाइज, ये पार्ट सीरीज़ है 10 पार्ट में। तो पहले लेक्चर में हम लोग इसको कवर करेंगे कैसे प्रोडक्ट चूज़ करें एंड किन प्रोडक्ट्स पे क्या क्या देखें जिससे हमें आसानी हो फेसबुक एड्स बनाने में। सो गाइज, देखिए इस लेक्चर को आखिर तक एंड होपफुली आपको ये लेक्चर काफी अच्छा लगेगा। सो लेट गेट स्टार्टेड, कम एंड अप। हे गाइस, वेलकम बैक। हियर आई एम यश पांडे एंड मैं हूँ अपनी क्लिक बैंक वेबसाइट पे एंड मैं करने जा रहा हूँ लॉग इन। एंड यहाँ से हम लोग सारी प्रोसेस करेंगे कि कैसे प्रोडक्ट चूज़ करें एंड किन चीज़ों का ख्याल रख के प्रोडक्ट चूज़ करने में। सो सबसे पहले हम करेंगे लॉग इन अपने क्लिक बैंक अकाउंट में। तो नाउ आई एम गोइंग टू लॉग इन। आपका अगर अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बना लीजिए। सिंपल है कि कैसे अकाउंट बनाए क्लिक बैंक का। आप यूट्यूब पे कई वीडियोस डले हैं, उनको देख सकते हैं, हाउ टू क्रिएट क्लिक बैंक अकाउंट। एंड आप कोई और भी प्लेटफॉर्म चूज़ कर सकते हैं लाइक जेवीजू। सो ये हमारा खुल गया है। सो नाउ आई एम गोइंग टू चूज़ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ पे आएंगे मार्केट प्लेस में। एंड हम कैटेगरीज गाइस फेसबुक फ्रेंडली कैटेगरीज चूज़ करेंगे। वो हमें कैसे पता चलेगा वो हम अभी आपको मैं एक मेथड बताऊंगा कि कैसे हम जान सकते हैं कि ये जो नीश है ये फेसबुक फ्रेंडली है या नहीं। सो अभी हम जो कैटेगरी चूज़ करेंगे वो है पेरेंटिंग एंड फैमिली, क्योंकि हेल्थ एंड फिटनेस वगैरह के प्रोडक्ट अगर हम प्रमोट करेंगे तो फेसबुक जल्दी ही ऐसे प्रोडक्ट को ब्लॉक कर देता है, तो हम ऐसे प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करेंगे। इसमें से हम कुछ टैब्स खोल लेंगे जैसे लाइक मैरिज, पेरेंटिंग एंड प्रेगनेंसी। सो 3 टैब खोल लिए, इनमें से हम लोग चूज़ करेंगे प्रोडक्ट्स को। सो मेरी जो चूज़ करने की टेक्निक है प्रोडक्ट को, वो ये है कि मैं 20 से लेके 100 तक, मतलब 20 to 100 और 20 से लेके 100 तक के बीच में ग्रेविटी देखता हूँ किसी भी प्रोडक्ट की, एंड उसको मैं कंसीडर करता हूँ एक अच्छा प्रोडक्ट। तो अभी पॉपुलैरिटी से शॉर्ट है, मतलब ये ऑलरेडी पॉपुलर हैं प्रोडक्ट्स, तो हम यहाँ इस पर ग्रेविटी से शॉर्ट शॉर्ट कर देंगे इसको। ग्रेविटी गाइस मतलब रिसेंटली कितने लोग इस प्रोडक्ट के साथ सक्सेस पा रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईएस्ट ग्रेविटी का प्रोडक्ट है वो 3.5। मतलब ये नीश हमारे लिए नहीं है क्योंकि काफ़ी कम है और ये 20 से नीचे है, जैसा कि मैंने कहा 20 से 100 के बीच में हमें देखना है। तो इसको हम कट कर देंगे, देन जाएंगे नेक्स्ट नीश पे। यह है पेरेंटिंग एंड फैमिली, तो इसको भी हम शॉर्ट बाय ग्रेविटी कर देंगे। तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट है देख सकते हैं इसकी ग्रेविटी कितनी है, 57। ये परफेक्ट है, ये 20 के ऊपर है। एंड इसके बाद 4, तो एक ही इसमें ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी इतनी ग्रेविटी है। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी में देखते हैं। सो इसमें भी हम शॉर्ट बाय ग्रेविटी कर देंगे। सो हाईएस्ट ग्रेविटी इसमें है 14, तो ये भी हमारे उसमें नहीं आता क्राइटेरिया में, तो इसको भी हम काट देंगे। अब ये कैसे पता करेंगे कि ये फेसबुक फ्रेंडली है कि नहीं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बैनर स्पॉटलाइट, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। इसको हम न्यू टैब में खोल लेंगे एंड इसमें ये लोग बताते हैं खुद कि आप इसको प्रमोट कर सकते हैं फेसबुक पे या नहीं, और देखते हैं कि इसको हम प्रमोट कर सकते हैं या नहीं। सो फेसबुक फ्रेंडली नीश फुल्ली एक्सप्लॉयटेड। सो गाइस ये फेसबुक फ्रेंडली नीश है जैसे कि आप देख सकते हैं, एंड इसकी ग्रेविटी भी काफ़ी अच्छी रही है। एंड 30 दिनों का 30 दिन का ट्रेंड देखिए आप, ये 50
80 तक पहुंची है ग्रेविटी हाईएस्ट, अभी इसकी 50 है। तो ये 30 दिनों में काफ़ी अच्छा बिका है, तो हम इस प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। इससे पहले देखते हैं कुछ और चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इसका एफिलिएट पेज एंड इन्होंने क्या क्या रिसोर्सेज दिए हैं इस प्रोडक्ट के। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर रिसोर्सेज कम होंगे तो हमें डिफ़िकल्टी होगी कैंपेन बनाने में। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज इन्होंने दिए हैं, डेमोग्राफिक, इन्फोग्राफिक, आर्टिकल, बैनर, ईमेल मार्केटिंग, फेसबुक टूल्स, प्रोडक्ट इमेज, वीडियोस, पीपीसी, प्रोडक्ट रिव्यूज़ एंड फ्री रिपोर्ट, लैंडिंग पेजेस, प्रेस रिलीज, फॉरम मार्केटिंग एंड इन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस भी दिए हैं अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहें तो। डेमोग्राफिक में चेक करते हैं इन्होंने क्या क्या दिया है और हमें फेसबुक ऐड के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एज देखिए 18 to 24, और मतलब ये आप जी समझ सकते हैं 25 साल से लेके 44 तक काफ़ी ज़्यादा लोग इसको परचेज़ करते हैं। आप 18 भी चूज़ कर सकते हैं बट ये दो कैटेगरी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन ऑब्वियसली गाइस इस प्रोडक्ट को वही ख़रीदेंगे बेबी स्लीप प्रोडक्ट है जिनके ऑलरेडी चिल्ड्रन है, तो विद चिल्ड्रंस एंड कॉलेजेस स्कूल तो सबसे ज़्यादा खरीदते हैं कॉलेजेस वाले एंड ग्रैंड स्कूल नो कॉलेजेस। ये कुछ कैटेगरीज और हैं इनका हमें यूज़ नहीं करना है। ये अर्निंग कैपेसिटी मतलब इनकम के अकॉर्डिंग इसका भी हम फेसबुक में यूज़ नहीं कर सकते। जेंडर में फीमेल, यस गाइस फीमेल ही सबसे ज़्यादा खरीदती होंगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास सारे टूल्स हैं और हमें देखते हैं इनकी इमेजेस कैसी हैं, प्रोडक्ट इमेजेस। ये खुल गई हैं प्रोडक्ट इमेजेस, बट गाइस हम फिर भी अपनी खुद की प्रोडक्ट इमेजेस बनाएंगे क्योंकि अगर हम इनका यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि हमारी एड ब्लॉक हो जाए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की प्रोसेस करेंगे और देखेंगे कैसे हमें लैंडिंग पेज बनाना है इस प्रोडक्ट का एंड कुछ और प्रोडक्ट्स को भी हम कंसीडर करेंगे। सो गाइस, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो एंड आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं आने वाले वीडियो में आगे की प्रोसेस करूँगा कि कैसे इसका लैंडिंग पेज सेटअप करें एंड आगे भी कुछ और प्रोसेसेस हैं जिनको हम लोग ख्याल रखेंगे। एंड देखते रहिए इस फेसबुक सीरीज़ को, बस बने रहिए मेरे साथ। कल 9 PM आपको इसी टाइम ये लेक्चर मिलेगा, नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, पीस आउट।